नमस्कार इंडिया, स्वागत है आपका सरिता की रसोई में। मैं आज बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनने वाला है। तो फ्रेंड चलिए, मैं उसके लिए क्या क्या लिए हैं और कैसे बनाते हैं आपको हम बताते हैं। मटर पनीर बनाने के लिए लिए हैं हम 250 ग्राम मटर और 250 ग्राम पनीर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 3 हरी मिर्च, 3 लाल मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 3 प्याज है और 2 टमाटर है। इन सबको हम काट लेते हैं चॉप करके और इसको हल्का हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई पैन को करते हैं गरम। फ्राई पैन को हम गर्म कर लेते हैं। इधर हम रखे हैं गरम पानी होने के लिए, जिसमें हम मटर को बॉईल करेंगे। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे हम इस तरह से काट लेते हैं। तो इस तरह से हम प्याज को काट लेंगे। हमने इसको काट लिए, टमाटर को भी हम काट लेंगे। टमाटर को भी इस तरह से हम पीस में काट लेंगे। तो हमारा फ्राई पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। इसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज। इसे हम 2 मिनट तक इसे हल्का फ्राई कर लेंगे। तो फिर इधर मेरा पानी भी बॉयल आ चुका है, इसमें हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे ताकि मेरा मटर ग्रीन दिखेगा। आप चीनी डाल दीजिएगा पानी में, आपका मटर काला वाला नहीं होगा, बिल्कुल ग्रीन ही रह जाएगा। इसमें हम डालेंगे मटर को। तो ये हल्का फ्राई हो चुका है, इसमें हम डालेंगे टमाटर। इसी के साथ मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक डाल दिए है ताकि टमाटर मेरा अच्छे से गल जाए। ऐसे हम 2 से 3 मिनट लगेगा इसको गलाने में, टमाटर को गला लेंगे हम। इसको हम ढक के पका लेते हैं। इसे हम थोड़ी देर में इसको चला लेंगे। इतने में हमें इसको थोड़ा जल्दी पकाना है, आपको भी जल्दी ही पकाना। तो इसमें हल्का सा पानी डाल दीजिए तो अच्छे से आपका टमाटर गल जाएगा। इसको हम ढक देंगे। तो फ्रेंड जब तक मेरा मटर, टमाटर, प्याज और
अदरक बॉयल हो रहा है, तब तक आप मेरे वीडियो कीजिए लाइक और चैनल कीजिए सब्सक्राइब और मेरे वीडियो में बने रहिए। आप देखिए मेरा पूरा वीडियो, आपको बहुत पसंद आएगा। और मेरी रेसिपी आपको कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, 2 मिनट हो चुका है, देखते हैं मेरा टमाटर कितना गला है। तो इस तरह से गलना चाहिए मेरा टमाटर प्याज, थोड़ा और पकेगा ये। इसका ग्रेवी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बन के हो चुका है रेडी, अच्छे से हो चुका है। इसको हम कटोरी में निकाल लेंगे। ठंडा होने तक इंतजार करेंगे, ठंडा होने पे ही हम पीसेंगे, नहीं तो आपका जार उड़ने लगेगा, पूरा छीटा पड़ने लगेगा। गर्म में आपने कभी नहीं पीसिएगा, ठंडा हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसे पेस्ट बनाएंगे पीस कर। तो इसे हम ठंडा होने तक इंतज़ार करेंगे। तो इसे हम साइड में रखते हैं और हम आपको दिखाते हैं, मेरा मटर भी बॉयल हो चुका है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, चीनी डालने से बिल्कुल ग्रीन मटर मेरा दिख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड देखिए, अच्छे से सीज चुके हैं। तो आपको कभी भी मटर को बॉयल करना होगा तो आप चीनी डाल के ही बॉयल कीजिएगा, बिल्कुल आपका मटर ग्रीन दिखेगा। आप सब्जी में डालेंगे फिर भी ये ग्रीन ही दिखेगा। तो हम प्याज टमाटर वाले मसाले को ठंडा होने का हम इंतज़ार करते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं। तो हमारा मसाला हो चुका है ठंडा, तो हम इसे पीस लेते हैं। इसे हम पीस लेते हैं। तो मेरा पेस्ट इस तरह से तैयार हो गया। हम फ्राई पैन को करेंगे गरम। तो हमारा फ्राई पैन गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे घी। तो फ्रेंड घी में बनाइएगा तो और भी टेस्टी बनता है, और भी स्वादिष्ट बनता है। तो हम इसमें डालते हैं जीरा। तो जीरा को थोड़ा चटकने देते हैं। 1 चम्मच बेसन है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे हम हल्का भून लेंगे। तो फ्रेंड इसको हम हल्का भून लिए, इसी में हम पेस्ट को ये डालेंगे। और इसे हम मीडियम आंच पर इसे हम भूनेंगे। इसे हम थोड़ा जार को धो के लाती हूँ। तो फिर हम इसे धुलाई कर लिए हैं ताकि मेरा मसाला वेस्ट ना हो। फिर इसे भी हम इसमें मिला के अच्छे से हम भूनेंगे। तो बेसन डालने से आपका ग्रेवी जो है बहुत अच्छा गढ़ा होगा, मतलब फटे फटे से नहीं, पूरा पकड़ के रखता है रस को। तो आप जरूर डालें बेसन, बेसन डालने से आपका ग्रेवी अच्छा बनेगा और स्वादिष्ट भी बनता है। तो इसे हम जब तक भूजेंगे जब तक मेरा मसाला तेल ना छोड़ दे। तो फ्रेंड मेरा मसाला इस तरह से भुजा चुका है। तो 4 से 5 मिनट लगा है मुझे मसाला भुजने में। तो देखिए मेरा तेल भी छोड़ रहा है मसाला। तो इस तरह से अच्छे से आप मसाला को फ्राई कर लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे मटर,
इसे भी हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं साथ में। तो फ्रेंड कैसा लग रहा है आपको मेरा रेसिपी, आप जरूर बताइएगा कमेंट में, और इसी तरह से आप अपने घर में जरूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। इसमें हम डालेंगे पनीर, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मेरे पनीर को अच्छे से मसाला में मिक्स हो जाए। इसे हम 2 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। तो इस तरह से हम कस्तूरी मेथी को हाथ से मसल देंगे, फिर इसमें हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। तो फ्रेंड जिस तरह मतलब जिस जैसे जैसे भुनाएगा तो जिस तरह जैसे जैसे फ्राई होगा उसी चीज़ का कलर और भी अच्छा दिखने लगेगा आपको। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ रहा है। फ्रेंड अच्छे से भुना चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे नमक। तो हम पहले से नमक डाल चुके थे इसलिए हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे अपना स्वाद अनुसार। अब इसमें हम डालेंगे पानी, इसे अब हम ढक देते हैं, ढक के हम 2 मिनट तक पकाएंगे, फिर मेरा सब्जी रेडी हो जाएगा खाने के लिए। फिर आपसे मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो हमारा मटर पनीर का सब्जी बन के हो चुका है तैयार। इसमें हम थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल लेते हैं। फ्रेंड हम 2 रखे थे पनीर का पीस ताकि मैं इसे लास्ट में इसे गार्निश कर दूं और भी सुंदर लगने लगेगा, देखने में बहुत सुंदर लगेगा, खाने में टेस्टी लगेगा। तो मटर पनीर दोनों बढ़ा देते हैं, अभी थोड़ा सा घिस के ऊपर से इसे गार्निश कीजिएगा, देखने में बहुत सुंदर लगेगा, खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा आज का रेसिपी, मटर पनीर का रेसिपी आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। तो फ्रेंड मेरे मटर पनीर का सब्जी का रेसिपी आपको आया होगा पसंद, तो मेरे वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही खूबसूरत लग भी रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।